ये है पोको एम सिक्स प्लस थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन रुपीज के प्राइस पर लॉन्च हुआ है और दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है बजट सेगमेंट का फोन है एंड ऑनेस्टली आई डेंट मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फोन लेकिन दिस फोन सरप्राइज हाउ

मैट फिनिश का फ्रेम है एंड मेटल का फ्रेम नहीं है इसके अलावा सारा यूजुअल स्टफ है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट सिंगल स्पीकर ग्रिल डुअल सिम ट्रे पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन इसके अलावा इन्होंने 3.5 पॉइंट फाइव एम का जैक भी दिया आई थी रेटिंग है जिसमें आपकी वाटर स्प्लाशेस और थोड़ी बहुत डस्ट से प्रोटेक्शन हो जाएगी देखो ओवरऑल लुक एंड फील बढ़िया है फोन का हालांकि मुझे ना ये कैमरा मॉड्यूल थोड़ा कम पसंद आया डिस्प्ले की बात कर लेते हैं सिक्स इंच एफ प्लस एल डिस्प्ले है वन ट्वेंटी रिफ्रेश रेट है विच इज गुड क्योंकि ज्यादातर बजट फोन में नाइनटी हर्ट रिफ्रेश रेट ही देते हैं बाकी स्मूथ चलता है फोन और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी बढ़िया है कलर्स की बात कर लेते हैं तो देखो बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स तो नहीं है बट दे आर नॉट अंडरवेलमिंग मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी इस फोन पर और कलर्स ठीक लगे मुझे डिटेल्स भी बहुत हद तक सही लगी बाकी बेजल्स हल्के से थिक हैं, तो कंटेंट देखते हुए थोड़े अब्रप्ट लगते हैं बाकी 550 nits का ब्राइटनेस है जो कम लगा मुझे इवन आउटडोर्स में भी उतनी ब्राइट डिस्प्ले नहीं रहेगी बाकी अकॉर्डिंग गोरेला ग्लास थ्री प्रोटेक्शन है डिस्प्ले पर देखो बहुत ही इम्प्रेसिव डिस्प्ले नहीं है लेकिन हाँ प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ठीक है स्नैप ड्रेगन फोर जेन टू ए ट है ए मतलब एक्सेलरेशन बाकी दो इसमें आपको स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं वन वन इज इज प्लस प्लस अदर और एल पी डी डी आर फोर एक्स रैम अवेलेबल है डे टू डे टास्क जैसे सोशल मीडिया स्क्रोलिंग कैमरा यूसेज में प्रॉब्लम नहीं आएगी और मल्टी टास्क भी आराम से कर पाओगे लैग नहीं आएगा देखो गेमिंग की बात कर लेते हैं बीजेएमआई मेरे कोलीग ने और 9 मैंने खेल के देखा इसमें तो देखो आपको ना गेमिंग तो ठीक ठाक मिल जाएगी लेकिन लैग आता रहता है बीच बीच में बाकी तीस 35 मिनट के बाद फोन हल्का हल्का हीट होना भी शुरू हो जाता है एक और चीज बता दू मैं आपको कि पर आप गेम खेल पाओगे, लेकिन आपको गेम खेलने में मजे आएंगे मैंने बेंच मार्क्स रन करके देखे have a look at the scores. बाकी सिंगल स्पीकर ग्रिल हैव अ लुक एट द आउटपुट अगर की बात करें तो खराब नहीं है इट्स एक्चुअली सरप्राइज्ड मी क्योंकि डे टू डे टास्क तो बिना लाग के हो ही जाते हैं गेमिंग भी ठीक ठाक हो जाती है हाइपर बेस्ड ऑन है है फोन में और ब्लोटवेयर भर भर के दे रखा है। कुछ अनइंस्टॉल हो सकता है और कुछ अन है बाकी दो साल के ओएस अपडेट्स और तीन साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स अवेलेबल है कैमरास की बात करते हैं तो डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है 108 मेगापिक्सल मेन कैमरा 2 मेगापिक्सल मैक्रो एंड 13 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर लेट्स स्टार्ट विद द आउटडोर पिक्चर्स तो देखो अच्छी लाइटिंग कंडीशन में बढ़िया पिक्चर्स को क्लिक होंगी और डिटेल्स भी हालांकि कहीं कहीं कलर्स ना वॉश ऑफ हो रहे हैं पिक्चर्स के मतलब इनकंसिस्टेंसी दिखेगी आपको बाकी इंडोर पिक्चर्स भी बढ़िया दिखेंगी। नाइट बढ़िया दिखेंगी हल्का सा स्किन करने की कोशिश करता है लेकिन यू विल सी कि ना हल्की सी क्रैश हो जाती है बाकी वीडियो टेन 30fps एफ पर रिकॉर्ड कर सकते हो फ्रॉम बोथ बैक एंड फ्रंट कैमरा फाइव थाउजेंड थर्टी एम एच बैटरी है थर्टी थ्री वॉट चार्जर है और देखो एक दिन ना मैंने पूरा एक्सटेंसिवली यूज किया फोन को और उतनी ही देर आपकी बैटरी भी लास्ट करती है मैंने पिक्चर्स क्लिक करे दो दो पॉडकास्ट चलाए दो दो घंटे के और उसके बाद मैंने देखा कि बैटरी सीधे 80 परसेंट से 30 परसेंट पर आ गई थी तो एक दिन तो लास्ट करेगी देखो लाइक आई सेड कुछ कुछ जगह पे सरप्राइज करा मुझे फोन ने जैसे गेमिंग डिसेंट हो जाती है एंड इट्स गुड उसके अलावा इसमें आपकी बैटरी भी ठीक ठाक लास्ट करती है कैमरा से पिक्चर्स भी अच्छी लाइटिंग कंडीशंस में ही क्लिक हो जाते हैं और डिस्प्ले में आपको 120 रेट दे रखा है विच इज रेयर इन अ बजट फोन बाकी आप मुझे बताओ व्हाट यू थिंक अबाउट द फोन And the review. Baki, keep following us for more such content. This is Anshika signing off. I will see you guys in the next one.